بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. तो एक नई सुबह है, संडे मॉर्निंग है, मॉर्निंग नहीं कह सकते हैं, लगभग आफ्टरनून 12 बज रहे हैं. और जो टेम्परेचर है तकरीबन ठंड है यहाँ पे, अभी तकरीबन 20-21 डिग्री सेल्सियस चल रही है. तो खैर, उठा तो काफ़ी पहले था लेकिन बेड पे लेटा हुआ था, दिल नहीं कर रहा था उठने को. खैर, ये 21-20 टेम्परेचर जो आज के दिन का तकरीबन मैक्सिमम टेम्परेचर है यहाँ पे, मिनिमम 13-14 तक अभी चल रही है इस महीने में सितंबर के, जो खासकर कराची में, पाकिस्तान में. तो वहाँ पे तो अभी काफ़ी पंखे एसी चल रहे थे और चल भी रहे होंगे इस टाइम. तो फ़िलहाल अभी नाश्ता करना है, तो चलते हैं नाश्ते की तरफ. और आज मेरा प्लान है कि मैं क्योंकि जिम काफ़ी टाइम ज्वाइन नहीं किया है, तो खैर जिम ज्वाइन तो किया हुआ था वहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ आके कुछ टाइम से मैंने तकरीबन हफ्ता हो गया है जिम नहीं गया हूँ. तो आज का प्लान है कि जिम ज्वाइन करूँ दोबारा, वरना जो बॉडी है वो इफ़ेक्ट हो जाएगी, मसल्स ख़राब हो जाएंगे. तो चलते हैं, फ़िलहाल ब्रेकफास्ट बनाते हैं. तो जी, हम आ गए हैं किचन की तरफ, तो थोड़ी रोशनी कर देते हैं ताकि इसे हीट अंदर आ जाए, तो ताकि नाश्ता भी बना लें. और ये भी विंडो ओपन कर देते हैं, थोड़ा सा बाहर का व्यू देखते हैं. माशाल्लाह, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, देख भी सकते हैं कि लोगों ने जैकेट भी पहना हुआ है. अच्छा, एक तो इशू यहाँ पे ये है कि जो गैस है वो नहीं आ रहा. तो जो मेरे साथ जो एक लड़का रहता है जो उससे पहले है, तो उसने सिलेंडर का इंतज़ाम किया है, तो उसी से गुजारा चल रहा है. तो उसी से भी ऑमलेट बनाते हैं, तो ताकि कुछ तो बंदा खाए. कुछ बाहर भी जानी है, यहाँ पे संडे बाज़ार भी लगती है अवजिला इस्तंबुल में, तो शायद वहाँ पे भी थोड़ा चक्कर लगे, तो वहाँ का भी व्यू आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह. तो नाश्ता हमारा तैयार हो गया है, अंडे फ्राई किए मैंने, तो फिलहाल नाश्ता करते हैं बिस्मिल्लाह करके, फिर आपको मज़ीद आज के दिन के व्यूज़ दिखाएंगे. तो पहले हम प्लान कर रहे थे कि आज जिम जाऊंगा, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, तो थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है. तो अब प्लान है तकसीम जाने का, अच्छा जगह है, तो चलते हैं वहाँ. और साथ साथ आप भी आइएगा हमारे साथ, और आपको भी दिखाते जाएंगे कि कैसा दिखता है. तो निकल चुके हैं घर से, तो सामने दोस्त भी खड़ा होगा, जो रूममेट भी है मेरे साथ रसोई पर, उनको भी लेते हैं और फिर बस पकड़ के इंशाल्लाह चलते हैं टैक्सी. तो बस में बैठ गए हैं और निकल रहे हैं. वेट करते हैं तब तक ट्रेन आ जाती है. तो ये मरमरा ट्रेन है इस्तांबुल में, तो अभी ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग. तो ट्रेन आएगी तो ट्रेन का सफ़र करेंगे इंशाल्लाह. हम ट्रेन में एंटर हो रहे हैं.
से उतर गए हैं मुख्तलिफ स्ट्रीट से गुजर कर, इवन अंडर वाटर से गुजर कर। मैं चाहता आप लोगों को अंडर वाटर भी दिखाऊँ लेकिन वहाँ अंधेरा था, कोई फायदा नहीं था, तो इसीलिए मैंने नहीं दिखाया था। वो आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। चढ़ने के टाइम जो पैसा डिडक्ट होता है, तो यहाँ लगाने के बाद कुछ पैसे गवर्नमेंट वापस कर देता है आपको, तो हम भी लगा देते हैं। तो उससे ये होता है कि कुछ पैसे रिटर्न हो जाते हैं, जो पैसे डिडक्ट होते हैं उसमें से कुछ पैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी वापस हो जाते हैं। तो दोस्त कह रहे हैं हमें भूख लगा, तो कुछ खाते हैं उसके बाद घूमते हैं। ये ट्रेन आ रही है, सामने आप लोग देखें पानी है, शिप भी खड़ी है, तो बहुत खूबसूरत व्यू है। तो यहाँ पे ट्रेन भी है, गाड़ियाँ भी चल रही हैं और समंदर भी है, और सामने आपको नज़र आए शिप भी है। तो बर्गर किंग आए हैं हम लोग, देखते हैं बर्गर खाते हैं क्या मिलता है। मैंने चूज़ किया है कि मैं जो नंबर 11 में है, 11 में जो बी के क्रिस्पी चिकन 58 लीरा का है, वही ले लेते हैं। देखते हैं दोस्त जो है हमारे साथ वो क्या खाते हैं। इन्वायरमेंट तो काफ़ी हाइजीनिक लग रही है इसमें, इनका बर्गर कैसा टेस्ट है। इसे हमने ऑर्डर किया गया खाने पे, खाना तो बर्गर आ गया हमारी, क्रिस्पी चिकन बर्गर है, साथ में पांटा मंगवाया मैंने, पांटा है। सामने गलाका टावर है, तो ये इस्तांबुल का वन ऑफ द रशेस, सबसे ज़्यादा रश एरिया में से एक है। यहाँ पे फॉरनर आपको ज़्यादा मिलेंगे, खाने पीने की जगह मिलेंगे। ये हिस्टोरिकल प्लेस है, मिस्र भी लिखा हुआ जहाँ शीज, ये देखें 1664 का हिस्टोरिकल मार्केट है। ये अब देखें मिस्री मसाला जाते हैं, फूलों के मुख्तलिफ किस्म के चाय हैं, देख लेते हैं। लगता यही है कि बहुत हल्की होंगे शायद के लिए। हम आए थे ग्रैंड बाज़ार के लिए, लेकिन जब आए तो पता चला ये आज बंद है, पता नहीं क्यों, वैसे संडे को ओपन होती है लेकिन आज के दिन ये बंद है, फिलहाल नहीं विजिट कर पाए इसको। चलो आगे देखते हैं। ये टीजे इस्तांबुल यूनिवर्सिटी है, इस्तांबुल के वन ऑफ द बिगेस्ट मस्जिद में से है। तो मस्जिद में एंटर होके
ये इसके एंट्रेंस के अंदर का व्यू है। फॉरेनर्स भी हैं, यूरोपियन भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, वो यहीं से दुपट्टा लेके जा रही हैं। खूबसूरत व्यू है मस्जिद का। तो माशाल्लाह ये मस्जिद के अंदर का व्यू है। बड़ा खूबसूरत है ऐसा, टूरिस्ट आके यहाँ पे देख रहे हैं। नॉन मुस्लिम्स देखे यहीं से दुपट्टा लेके और ले रहे हैं, और जिन्होंने मतलब शॉर्ट पहने हैं तो उनके लिए अलग से चादर वगैरह है, वो अपने आप को ओढ़ के अंदर घुस है। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मस्जिद है इस्तांबुल की। जैसे आप देख सकते हैं नॉन मुस्लिम हैं, और यहाँ से स्कार्फ नुमा जैसे चादर नुमा उठा के सर पे रख के जा रहे हैं मस्जिद के अंदर। बड़े सर डेक जाना ठीक नहीं होता फीमेल के लिए, और किसी ने शॉर्ट्स पहने हैं मीन्स अगर स्लीवलेस कपड़े पहने हैं तो उनके लिए यहाँ आप देखेंगे कपड़े भी रखे हैं के ऊपर डाल के वो जा सकते हैं। ये वजू करने की जगह है। तो ये सुलेमान जामी जो आपने आपको दिखाया मस्जिद है, इसके बाहर की व्यू है। बड़ा खूबसूरत मस्जिद है, सुलेमान के दौर का बना हुआ है। मस्जिद के बिल्कुल सामने ये व्यू है। एक्चुअली ये एक साइड पे यूरोपियन तुर्की है, और यहीं से दूसरी बॉर्डर आती है एशियन साइड, तो यूरोप और एशियन के बॉर्डर कह सकते हैं के बिल्कुल पास। देख सकते हैं पीछे बोट्स हैं, शिप्स खड़ी हैं। इस्तांबुल का खूबसूरत जगह है। जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों से, यहीं से बैठ के मुख्तलिफ इलाकों चले जाते हैं। डिफरेंट स्वीट्स हैं टर्किश। ये भी छाए हैं सारे, आप देख सकते हैं। ये देखे जो हाथ में पहनते पहने जाते हैं, डिफरेंट किस्म के हैं, वैरायटी है। भी गले के लिए तस्वीर हैं, फौजी कपड़े देखे। तो हम ग्रैंड बाजार की तरफ जा रहे हैं। यहाँ देखें आपको एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन, अमेरिकन तकरीबन सभी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट जरूर यहाँ के विज़िट करते हैं।
एक तो यहाँ के फील हो रहा है जैसे कराची का सदर या डी मार्केट, उसी तरह का एनवायरनमेंट कुछ लग रहा है। बैठ के वापस घर की तरफ जा रहे हैं, बहुत थके हुए हैं। फाइनली घर पहुंच गए, काफी थक गए, सारा दिन घूमते रहे, तो वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फीडबैक ज़रूर दें ताकि मुझे पता हो कि बिल्कुल हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है चीज़ों में। तो अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।